हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए आलू और कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट बनने वाली है घर के तरीके से। चले मैं इसको शुरू करती हूँ। ये मैंने आधा कप ऑयल डाला है, इसको मैं एक मिनट तक गर्म करूँगी। चले तेल हमारा गर्म हो गया है तो ये मैंने 4 से 5 लौंग लिए और तकरीबन 10 मैंने काली मिर्चें और 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया। इसको थोड़ा सा मैं गर्म करूँगी। जीरा मैंने आधा मिनट तक गर्म कर लिया तो ये मैंने प्याज लिया 3 तो उसको मैंने चॉप कर लिया। अब ये डालेंगे, इसको मैं 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। चलो ये 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक पेस्ट लिया, 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून सब्ज मिर्चें, ये सारे इकट्ठे डाल देंगे। चलो मैं इसको 2 मिनट तक भूनूंगी। चलो 3 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। अब टमाटर डालेंगे, टमाटर डाल के 1 से 2 मिनट तक मैं इसको भूनती हूँ। फिर से 2 मिनट तक भून के जो तो टमाटर मैंने लिए थे 2 उसको मैंने अच्छी तरह पीस लिए। 1 से 2 मिनट तक मैं इसको भूनती हूँ। चलो 2 मिनट हो गए हैं, ये मैंने 3 पाव कीमा लिया तो मैं डाल के इसको अच्छी तरह भूनूंगी जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। चलिए हमारा पानी खुश्क हो गया, तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको भूना है। तो ये अब मैं मसाले डाल रही हूँ इसमें, तो इसमें 1/2 टीस्पून कुटी सुरख मिर्चें, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी है, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून जायफल जलबत्री और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च। तो सारे मसाले मैं डाल दूँगी। तो अब इसमें मैंने लिया 3 टेबलस्पून दही, ये भी मैं साथ डाल के इसको अच्छी तरह भून लेती। मैं तकरीबन 2 मिनट तक इसको भूनती हूँ। चलो 2 मिनट हो गए हैं तो मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। तो यह मैंने लिया 1 पाव आलू, तो मैंने इस तरह काट लिए हैं तो यह भी अब मैं साथ डाल दी। तो अब इसको मैं अच्छी तरह भून लेती जब तक इसका घी अंदर से नज़र ना आने लग पड़े। अच्छी तरह घी छोड़ देगा तो फिर इसमें मैं थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना। पहले ये हमारा आलू और कीमा भून गया, तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह भून लिया। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी बनाऊंगी, क्योंकि आलू भी गलेंगे तो बाकी का जो रह जाएगा वो इसमें ग्रेवी बन जाएगी। पहले मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक, जब तक आलू नहीं ना गल जाते तो इसको मैं पकाती हूँ ढक के। चलो मैं ढक के इसको 5 मिनट तक इसको पकाती हूँ। चलिए 5 से 6 मिनट हो गए तो हमारा कीमा और आलू बन गया, तो इसको मैं अब निकालती हूँ। इसके ऊपर धनिया डालेंगे। चले हमारा आलू और कीमा तैयार है। चले मैं इसको डिश ऑफ करती हूँ। चले ये मेरा डिश, मैंने डिश आउट कर दिया है। आलू और कीमे का बहुत ही मज़े का सालन बना है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।